अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कह रहा है साबित कीजिए कि x 1 प्लस x का पावर 2n के विस्तार में मध्य पद जो होगा ये होगा। ठीक है तो चलिए तो बड़ा ही सिंपल है, इसका मध्य पद पहले देखते हैं। देखिए घात क्या है, सम संख्या है, तो यानी कि मध्य पद जो होगा वो आपका हो जाएगा n बाई 2 प्लस 1, यानी हो जाएगा 2n बाई 2 प्लस 1। वापस समझ गए ना, चलिए समझ गया ना, n बाई 2 प्लस 1 होता है ना, तो n के जगह 2n दिया है। चलिए यानी कि इसका n प्लस 1वां पद जो होगा ना वो आपका मध्य पद होगा। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला आपको पता ही है कि a प्लस x के पावर n के विस्तार में r वां पद का फॉर्मूला होता है tr बराबर n cr माइनस 1 है ना, a का पावर n माइनस r प्लस 1 और x का पावर r माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको r के जगह क्या लेना है, n प्लस 1 रखना ना, यानी t r प्लस r के जगह क्या जाएगा n प्लस 1, r के जगह क्या रखना है n प्लस 1, यानी t n प्लस 1 बराबर में हो जाएगा n c, r के जगह क्या रखेंगे n प्लस 1 माइनस वन ये रहेगा ना, और फिर इंटू ए की जगह क्या है यहाँ वन है, तो वन का पावर टू एन माइनस एन प्लस वन प्लस वन है ना, और फिर आपका एक्स का पावर एन प्लस वन माइनस वन। अब समझिए इसको एक बार, तो ये कैसे हम रखे हैं इसको समझिए। देखिए आर की जगह एन प्लस वन आ गया, अच्छा n का मान यहाँ पे 2n ना दिया है, तो 2nc r की जगह क्या रखेंगे n प्लस 1 माइनस 1, अच्छा फिर 1 का पावर n की जगह क्या आएगा आपका 2n माइनस r की जगह ये वाला मान और प्लस 1, और फिर यहाँ पे x का पावर क्या होगा r माइनस 1, तो r की जगह यही ना है माइनस 1, समझ गए। ये देखिए ये 1 1 कट जाएगा, यहाँ भी आपका कट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2n cn, अच्छा ये 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा तो उसको भूल जाइए, बच गया वही आपका x का पावर n, समझ में आया। अब इसको आपको थोड़ा सॉल्व कर देना है, ठीक है तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल और बट्टा में n का फैक्टोरियल और 2n माइनस n का फैक्टोरियल, इनर रूल होता है, अच्छा x का पावर n यहाँ पे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ देखिए इसको तोड़िएगा, 2n का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 ये कहाँ तक गुना में चला जाएगा, तो ये गुना में जाएगा 2n तक है ना। अच्छा इसके पहले वाला एक पद क्या होगा, तो 2n माइनस 1 होगा ना, इसके पहले वाला जस्ट पद पद पूछे तो आपको, अच्छा नीचे देखिए n का फैक्टोरियल है और ये भी घटेगा तो आपका n का फैक्टोरियल है और गुना में है x का पावर n। चलिए आगे देखते हैं इसको, आगे हम लोग यहाँ पे चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, देखिए इसमें विषम पद को अलग करिए और सम पद को अलग करिए, यानी कि देखिए यहाँ पे 1 3 5 7 आपको अलग रखना होगा, 1 3 5 ऐसे ये कहाँ तक रखना होगा, ये भी विषम है ना, 2n-1 तक, ये अलग कर दिए। अब फिर इनटू में सम पद ले लेते हैं, 2 4 6 ये कहाँ तक ले लेंगे 2n तक, समझ गए ना। चलिए और बटा में है आपका n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल और गुना में है x का पावर n। चलिए यहाँ देखिए 1 3 5 डॉट 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 कहाँ तक है 2n-1 और यहाँ देखिए यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लीजिए, सब में इनटू में 2 है ना, तो यहाँ कॉमन होगा तो 2 का पावर n ना होगा, समझ रहे ना, क्योंकि यहाँ 2n टाइम्स है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सब में इनटू में है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 कॉमन कर लेंगे, 2 का पावर n मतलब n टाइम्स इसमें 2 है ना, n टाइम्स गुना में है, तो इसलिए 2 का पावर n हो जाएगा और अंदर बच जाएगा 1 2 3 कहां तक n तक, समझ गए। अच्छा नीचे है आपका n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल, ठीक है, अच्छा गुना में आपका x का पावर n। चलिए इसको तो ऐसे छोड़ दीजिए, 1 3 5 डॉट 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 कहां तक है 2n-1 तक, अच्छा इनटू में है 2 का पावर n और ये तो आपका n का फैक्टोरियल ना बन जाएगा 1 से लेके n तक का गुना। चलिए n का फैक्टोरियल और फिर नीचे आपका n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल है ऑलरेडी और गुना में है x का पावर n, तो n का फैक्टोरियल को n का फैक्टोरियल कट गया, यही ना आपको प्रूव करना था जो बच गया, आपको लगा था मध्य पद इसका जो होगा 1 गुना 3 गुना 5 डॉट डॉट कहां तक 2n-1
बटा में एन का फैक्टोरियल और यहाँ है टू का पावर एन और एक्स का पावर एन, यही ना आपको साबित करना था। चलिए।